सभी लोगों को मैं नमस्कार बोलना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती है, तो मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ, तो अगर गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए। जी थैंक यू। मैंने कहीं मंच पर गाना गाया है, पर कभी लेक्चर नहीं दिया है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सबसे पहले मैं आई स्केयू लद्दाख प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बल्ती बोलने वाले सिर्फ 5,000 है, और वो भी लद्दाख में है, और लद्दाख हरदोला पार करके उस पार नुब्रा वैल्यू में है। 4-5 गांव तुरतुक त्यागसी बोगदा चुरुंखा चांगमार, तो वहाँ पर हम प्योर बल्ती बोलते हैं, वहाँ पर हम कोई और लैंग्वेज वहाँ पर मिक्स नहीं करते। हम बल्ती के अलावा हमें या ना ठीक से हमें इंग्लिश आते हैं ना हिंदी, तो हम वहाँ पर सिर्फ हमारे भाषा में ही बात करते हैं। तो मैं बल्ती कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो हमारे भारत देश में बिल्कुल ना के बराबर है। बस्ती ज़्यादा बोलने वाले अभी गिलगित बल्तिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लद्दाख को यूटी मिलने के बाद हमारे दिल में भी एक उम्मीद की किरण जागी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे भारत के एक हिस्सा बन जाएगा। तो थैंक यू। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैंने गाना भी इसीलिए गाई हूँ, क्योंकि जब पहली बार मैंने एक बस्ती सॉन्ग गाई थी यहाँ पर दिल्ली में आके, मैंने एक बस्ती सॉन्ग गाई थी, तो वहाँ पर उस पर मैंने वो सॉन्ग पेज पर अपलोड किया, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में एक गिलगित बल्तिस्तान का नाम है, जो वो पाकिस्तान में है, वहाँ जो लोग हैं वो बस्ती में बात करते हैं। तो मुझे ये बहुत मुझे इतना मैं वो हो गया, मतलब अचानक मैं अजीब सा हो गया कि बस्ती बोलने वाला इतना लोग है, हमसे ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा और है, वो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारी हिंदुस्तान के हिस्से बनने में मदद कीजिए। तो मैं मोदी जी के लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं बदलते हैं ज़माना सबको, लोग कहते हैं बदलते हैं ज़माना सबको, मर्द वो है, मर्द वो है जो ज़माने को बदल दे, मर्द वो है जो ज़माने को बदल दे। और उसके बाद मैं अपने भारत देशवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मैं बल्ती होकर, मैं गिलगित बल्तिस्तान से होकर, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मुझे प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ मैं बल्ती में एक देशभक्ति सॉन्ग है बस्ती में, जो मेरे पापा ने लिखा है, तो मैं वो गाना चाहती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी लाइन। दी दुनिया दे राना रंग में दो चियत पीछा चियो, दी दुनिया दे राना रंग में दो चियत पीछा चियो, राना रंग में दो गुनियत पी सर पो हिंदुस्तानी, राना रंग में दो चियत पी सर पो हिंदुस्तानी, लाला मीन दो शुम्मा चूक, लाला मी
शुमा चूक यस पाथों से सिंह मचिक दी ज़बर पो हिंदुस्तानी यस पाथों से सिंह मचिक दी ज़बर पो हिंदुस्तानी थैंक यू.